हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम का यूट्यूब चैनल और हम आपके लिए लाए हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सीरीज की एक विशेष श्रृंखला, जो आपको भारत के पहले गवर्नर जनरल से लेकर आखिरी गवर्नर जनरल के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देगा, जैसे भारत के गवर्नर जनरल की फहरिस्त में कौन कौन से नाम शामिल है, उनकी क्या उपलब्धियाँ थी और उन्होंने क्या प्रमुख सुधार किए। ये विषय आपको आईएएस परीक्षा के सामान्य ज्ञान एवं आधुनिक भारत के इतिहास के अनुभाग के प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा। इसके अलावा यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी में प्रमुख तौर पर प्रत्येक वर्ष प्री और मेंस की परीक्षा में इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए अब बात करते हैं भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अगले वर्ष जन्मी लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग की, जिन्हें नवंबर 1910 में भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया और वो अप्रैल 1916 तक इस पद पर बने रहे। एक दिन जब वे हाथी से जा रहे थे, तब दिल्ली में ठंड के मौसम में रास बिहारी बोस ने उन पर बम फेंका था। छाता लिए खड़ा उनका नौकर तो मारा गया, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग बच निकला। उनके हाथ पांव में चोटें आई और उनका कंधा फट गया। उनकी पत्नी भी इस हमले में बच निकली और हाथी व महावत को भी कुछ नहीं हुआ। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के रूप में भी जाना जाता है। मई 1916 में जब वे इंग्लैंड पहुंच चुके थे, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनका इंटरव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने भारत में काम करने के दौरान अपने अनुभवों के बारे में बात की थी। इस इंटरव्यू में एक चीज साफ है कि जो भी अंग्रेजों का साथ देते थे या उनके कहे अनुसार आंदोलन चलाते थे, उन्हें वो बुद्धिजीवी होने का दर्जा दिया करते थे। रास बिहारी बोस ने ही आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी और वो गदर पार्टी में भी सक्रिय थे। गदर पार्टी की ये योजना तो सफल नहीं हो पाई कि विश्व युद्ध के समय जब अंग्रेजों के अधिकतर सैनिक देश से बाहर जाए, तब भारतीय देशभक्त विभिन्न बटालियनों में शामिल होकर भारत को स्वतंत्र कराए, क्योंकि उस दौरान कई क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए थे। लेकिन रास बिहारी बोस ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों को चकमा देते हुए जापान भागने में कामयाब रहे। बाद में उन्होंने आईएनए की बागडोर महान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग मानते थे कि भारत में ऐसे लोगों की संख्या कम ही है जो अंग्रेजों के साथ वफादार नहीं है। उनका कहना है कि 30 करोड़ की भारतीय जनसंख्या में कई धर्मों समुदाय के लोग हैं, जो विभिन्न प्रकार की राजनीतिक शिक्षाओं और विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्रांतिकारियों के विषय में उनका कहना था कि ये लोग अराजक तत्व हैं, जिनका उद्देश्य नई सत्ता की स्थापना नहीं बल्कि वर्तमान सत्ता को नुकसान पहुँचाना है। अमेरिकी जनता के सामने अंग्रेजों का प्रोपेगेंडा फैलाते हुए उन्होंने ये दावा किया था कि भारतीय क्रांतिकारी संगठनों जैसे गदर पार्टी के पीछे जो लोग हैं, वो बुद्धिजीवी नहीं हैं। उन्होंने क्रांतिकारियों को अर्धशिक्षित बताते हुए कहा था कि गदर पार्टी की खबरें विदेश में छपती हैं और ये गुप्त रूप से सक्रिय है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अराजक नहीं है। उनका कहना था कि इसके मुखिया लाला हरदयाल जर्मन वॉर मिनिस्ट्री में कार्यरत थे और उन्हें जापान से भी समर्थन मिल रहा था। उन्होंने दावा किया था कि ये पार्टी प्रभाव और संख्या बल के मामले में छोटी है और इसकी अधिकतर शक्तियाँ बंगाल में ही हैं, जहाँ ये पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की हत्या की फिराक में रहते हैं। उन्होंने हंसते हुए ये भी कहा था कि अपने पूर्ववर्तियों की तरह भारत का पिछला वायसराय भी इन षड्यंत्रों का भुक्तभोगी रहा है। उन्होंने दावा किया था कि वो 4 वर्षों में उस घटना के दौरान हुए घावों से पूरी तरह उभर चुके हैं और उनके साथ जो भारतीय नौकर था वो भी अब ठीक है। उन्होंने ये भी बताया था कि इस मामले में शामिल लोगों को अंग्रेजों की सरकार ने सजाए मौत दे दी है। ये हमला तब हुआ था जब ब्रिटिश इंडिया की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर किया जा रहा था। बाद में लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग ने बताया था कि इस मामले में उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, लेकिन उनकी बीवी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पिक्रिक एसिड के कारण उनकी ड्रेस खराब हो गई थी। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग की पीठ, पांव और सिर में गहरी चोट आई।
मात्र 73,000 अंग्रेजों ने 32 करोड़ की जनसंख्या वाले देश पर कब्जा कर रखा था। एक समय तो ऐसा था जब यहाँ मात्र 10 से 15,000 ब्रिटिश मौजूद थे और वो पूरे देश पर राज कर रहे थे। लॉर्ड हार्डिंग के शब्दों में, ये सब भारत में अंग्रेजों से वफादारी के कारण संभव हुआ। अपना कार्यकाल पूरा कर वो वापस ब्रिटेन के कैंट लौटे और वहाँ शान शौकत की जिंदगी व्यतीत करते हुए अगस्त 1944 में 86 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अगर राज बिहारी बोस सफल हो जाते तो वे दिसंबर 23, 1912 को ही मारे जाते। लेकिन एक हमले में बच जाने के कारण उनकी उम्र 32 वर्ष और बढ़ गई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी दिलचस्प जानकारियों के लिए देखते रहिए।